Hello everyone, welcome to my channel Mrs. Learning Institute, and today I am going to discuss the necessary and sufficient condition of a function to be analytic. इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके जनरल टर्म्स के बारे में, कुछ जनरल फंक्शंस के बारे में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो ये थ्योरम है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक. तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी किसी फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए? तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ओमेगा इक्वल एफ ऑफ जेड यू एक्स वाई प्लस आई बी एक्स वाई. तो जो u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक रियल है, v एक्स वाई का फंक्शन वो भी रियल, लेकिन ये टोटल एक कम्प्लेक्स फंक्शन है. टू बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट z इक्वल एक्स प्लस आई वाई इन इट्स इज ऑफ इट्स डोमेन d इज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट इज डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल x एंड डेल v बाई डेल y exist and satisfy the CR partial differential equation, that is del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x. So, यहाँ x है, y है, y है और x है, u v and u or v. So, CR means Cauchy Riemann, C A U C H Y, Cauchy Riemann. कॉची रिमान इक्वेशन, ठीक है. तो हमें नेसेसरी पार्ट में ये प्रूव करना है कि अगर किसी फंक्शन को एफ ऑफ जेड प्लस एक्स वाई को एनालिटिक होना है, नहीं फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करना चाहिए. तो नेसेसरी कंडीशन में हमें यही प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स मिले, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डैन डेल वी बाई डेल वाई, और वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. और इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये है सी आर इक्वेशन, ठीक है. तो हमें इसी को लाना है सी आर इक्वेशन को एनालिटिक मानते हुए कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है. तो एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले किसे कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम फिर डिस्कस करते हैं. एनालिटिक फंक्शन हम उसे कहते हैं कि जैसे ये है, उस जो फंक्शन हमें गिवन होगा एफ जेड, किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड के एनालिटिक होने के लिए कंडीशन ये है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. ये है एफ ऑफ डैश, एफ डैश जेड, ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड. तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे और ये यूनिक वैल्यू रखे, चाहे हम डेल्टा जेड को किसी भी तरीके से ज़ीरो करें, चाहे रियल को जीरो मान के करें, चाहे इमेजिनरी को जीरो मान के करें, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा सेम आए और वो एग्जिस्ट करे. तो एग्जिस्ट करने से मतलब यही है कि इसकी वैल्यू हमें मिले कुछ, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है. एनालिटिक होने के लिए क्या ज़रूरी है, उसका डेरिवेटिव मिले हमें किसी भी पॉइंट पर हम निकालें डेल्टा जेड के या उसके नेबर रूट के भी, तो वो सेम ही आए, तब हम कहेंगे कि वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है. तो अगर एनालिटिक है तो मान लेते हैं पहले से, लेट w इक्वल एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट z, देन तो बाय डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो देन एफ डैश z इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z अपॉन डेल्टा z एग्जिस्ट एंड इज यूनिक एज डेल्टा z टेंडिंग टू जीरो. इसकी वैल्यू जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी उसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो अगर ये हमें गिवन है तो हम फिर यूज कर सकते हैं. ऑल्सो इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सो वी कैन राइट एज डेल्टा जेड इक्वल टू डेल डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई. सिंपल चेंज निकाल दिया हमने तो हर जगह डेल्टा आ गया. देन द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो एफ डैश जेड को हम फिर से लिख रहे हैं लिमिट. अब यहाँ लिमिट दो तरीके से ज़ीरो हो सकता है. अब डेल्टा जेड कैसे ज़ीरो होगा, ये टेंड करेगा ज़ीरो की तरफ, अगर डेल्टा एक्स टेंड करे ज़ीरो की तरफ या डेल्टा वाई करे टेंड की, दोनों ही टेंड करेंगे ज़ीरो की तरफ, तो हमें डेल्टा जेड मिलेगा टेंड क्या है, ये टेंडिंग टू ज़ीरो तभी होगा जब ये दोनों टेंडिंग टू ज़ीरो हों. और एफ ऑफ जेड प्लस जेड का मतलब क्या है, एफ जेड मीन्स यू एक्स वाई था, तो जेड प्लस जेड करेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स
एंड वाई प्लस डेल्टा वाई. सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी, सिंपली यू प्लस आई वी. लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जेड के जगह क्या हो गया है, जेड के जगह हमारा जेड प्लस डेल्टा जेड है. तो जेड प्लस डेल्टा जेड है, इसका मतलब एक्स में भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई होगा, एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई. माइनस एफ ऑफ जेड है, माइनस एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड एज इट इज जो यहाँ पे है, तो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी मैनर से उसको हम दिखा सकते हैं, हमने अभी कहा है डेल्टा जेड टू टेन टू ज़ीरो, किसी भी तरीके से हम करें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम उसी चीज़ को यूज करते हैं. सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर टू पॉसिबल अप्रोचेस बाय विच डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो. तो उसमें हम केस फर्स्ट में लेते हैं कि डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो अलॉन्ग द रियल एक्सिस. तो हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जो डेल्टा जेड है वो टेंड कर रहा है ज़ीरो की तरफ अलॉन्ग रियल एक्सिस. तो रियल एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है इसलिए हम डेल्टा वाई को ज़ीरो ले सकते हैं. तो एक तरह से डेल्टा जेड को हम फुली या होली रियल मान रहे हैं, पूर्ण रूप से रियल. तो हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स, रियल हो गया. तो अब जो डेल्टा जेड टेंड कर रहा था ज़ीरो की तरफ, अब क्या करेगा, डेल्टा एक्स टेंड करेगा ज़ीरो की तरफ. ठीक है, तो हमारी लिमिट अब चेंज हो जाएगी. यहाँ पे दोनों लिमिट थी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डेल्टा एक्स लिमिट होगी. सो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, डेल्टा वाई की जगह पे ज़ीरो. फिर आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई, यहाँ भी ज़ीरो. ठीक है, बाकी एज इट इज़ है, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई और अपॉन में, चूँकि ये पार्ट ज़ीरो है तो क्या मिलेगा, सिर्फ डेल्टा एक्स. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. सिंपल सा हमने कंडीशन को यूज किया जो हमें गिवन है. हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो बाय डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा डेल्टा जेड टेंडिंग पर, चाहे वो किसी भी तरीके से हो. और उसके बाद हमने सिंपल जेड को माना एक्स प्लस आई वाई जो कि पहले से था. और इसका चेंज जब हम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा जेड के लिए भी लिखना है फंक्शन को, तो इसको चेंज कर लेंगे. फिर सिंपली इसमें हम पुट किए हैं तो हमें ये मिला. अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे. तो यहाँ u है इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, यहाँ माइनस यू एक्स वाई. तो ये टर्म हमारा इमेजिनरी है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है और ये दोनों रियल है. तो हम रियल को एक साथ लिखेंगे और फिर सेपरेट करके इमेजिनरी को एक साथ लिखेंगे. तो चलिए लिखते हैं. एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड देन यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड माइनस यू एक्स वाई. यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये पार्ट हमने रियल के साथ अलग कर लिया, प्लस आई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो. फिर हम वी वाला टर्म लिखेंगे, तो वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स. क्लियर, ये टर्म है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म एक्स है. ठीक है, अब ये हमारा उसी तरीके से डेरिवेटिव टर्म दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये u का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो इसको हम चाहे ux से डिनोट करें या फिर डेल u बाई डेल x है प्लस i, और ये जो टर्म है वो क्या शो कर रहा है, डेल v बाई डेल x को. ठीक है, सो ये हो गया f डैश z. ठीक है, तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, यहाँ पे हम यू एक्स और वी एक्स भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में यहाँ
सिंपली यू एक्स और यहाँ पे वी एक्स यूज करता है, तो दोनों ही ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमें ये मिल गया एक तरफ से ये केस फर्स्ट का रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड यूज़ करेंगे। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हम मानेंगे कि जेड टेंडिंग टू जीरो अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो हम यहीं से थोड़ा बना लेते हैं अलॉन्ग क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। समझने की कोशिश करिएगा, हम उसी में मिटा रहे हैं। तो अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पे निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जब डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आई इंटू डेल्टा वाई ऐसा, और हमारे लिमिट्स में डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की वैल्यू चेंज होगी, जब हम एफ डैश जेड को लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस डेल्टा वाई। बहुत कठिन नहीं है, बड़े आराम से समझ में आएगा। केवल हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा एक्स को ज़ीरो करना है। तो हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो कर लेंगे, जो हमने अभी पिछले में किया है उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा आई। यहाँ पे क्या आएगा, आई और डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन में होता है ना डेल्टा जेड, माइनस एफ जेड है पूरा। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर चेंज था, डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाएगा और वाई प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स ज़ीरो वाई प्लस डेल्टा वाई। अब फिर से इस टर्म को एक्सटेंड करेंगे, रियल और इमेजिनरी एक साथ लिखेंगे। जब रियल इमेजिनरी एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम अलग कर लेते हैं, हमको मिलेगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो एंड देन यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन आई डेल वाई, ठीक है, और माइनस या यूँ कहें हम यहाँ से प्लस आई लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, सो माइनस वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई और डेल्टा वाई, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ इस टर्म को लिए हैं, इसके साथ इस टर्म को लिए हैं, बाकी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, और ये अपॉन में यहाँ आई से आई कैंसिल हो रहा है, अब इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, ये टर्म है हमारा वन बाई आई और ये आई, और ये जो डिनोट कर रहा है वो क्या है, डेल यू बाई डेल वाई। ये u का डेरिवेटिव है एक तरह से, जैसे हम ये अब डैश जेड लिखते हैं तो ये u का डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, प्लस अब ये कैंसिल हो गया है i, तो हमें क्या मिला, डेल v बाई डेल वाई। सो ये रहा एफ डैश जेड, ठीक है। तो ये हमें मिला दूसरा केस, सेकेंड केस के थ्रू हमको ये मिला। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये मिला था हमको रियल मानने पर और ये मिला था इमेजिनरी के थ्रू, तो हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव जो एफ डैश एफ जेड है उसका जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वो किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी। तो हम इनको आपस में इक्वेट करेंगे, जब एक दूसरे के इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यही मिटा देते हैं, जब इक्वेट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, अगर आप लिख रहे हो तो पॉज करके लिखना क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें उसी में बना रहे हैं, तो आई एंड डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो हमें दोनों इक्वेशन मिल गया, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इस आई को अगर हम ऊपर लाएं तो क्या मिलेगा हमको, सिंपली यहाँ अगर हम आई आई ऊपर नीचे इंटू कर लें, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर होगा और ऊपर आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। सो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस होगा। अगर हम आई आई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। चाहे तो हम एक लाइन यहीं पे बढ़ा लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई एंड प्लस डेल वी बाई डेल वाई। अब क्लियर होगा, ये रहा इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। तो ये है रियल पार्ट के थ्रू और ये इमेजिनरी पार्ट के थ्रू। तो ये जो है वो यही है सी आर इक्वेशन। सो दीज आर द सी आर इक्वेशंस कोची रीमान इक्वेशन, क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं कि जब हम एनालिटिक मान के चले थे तो हमारा सारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और जो लास्ट में रिजल्ट आया वो यही इक्वेशन है जिसे हम सी आर इक्वेशन कहते हैं। तो जो रिजल्ट रहा उसमें ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द, या दिस प्रूव्स द नेसेसरी कंडीशन। हम यहाँ लाइन जोड़ सकते हैं पूरा कि दिस शोज दैट, यहाँ के बाद से हमने लिख लेना चाहिए था, दिस शोज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहीं से ऐड कर सकते हैं, दिस शोज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स दिस 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 एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एंड दिस प्रूव्स द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक, ठीक है। तो कुछ खास इसमें नहीं था, आसान है ये, काफ़ी ध्यान से केवल पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। हमें फंक्शन को पहले एनालिटिक लेना है और उसके बाद हमें ये शो करना है कि वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो पहले एग्जिस्ट करेंगे और वो सी आर इक्वेशन का पालन करेंगे। तो इस तरीके से नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हुआ।